सवाल नंबर एक, चम्मच का आविष्कार किसने और कब किया था? सही जवाब, चम्मच 5000 AD में मिट्टी का बनाया गया था। चम्मच को 15वीं शताब्दी में कांटा चम्मच का रूप मिला। कांटा चम्मच का सबसे पहले प्रयोग इटली में हुआ था। सवाल नंबर दो, स्वच्छ भारत अभियान में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सही जवाब, स्वच्छ भारत अभियान में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और इंदौर के बाद भोपाल और चंडीगढ़ का नंबर है और सबसे स्वच्छ बड़े शहरों में अहमदाबाद है। सवाल नंबर तीन, बल्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब, बल्ब को हिंदी में बिजली का लट्टू कहते हैं। सवाल नंबर चार, हमें छींक क्यों आती है? सही जवाब, जब भी नाक में कोई बाहरी कण घुस जाता है तब मस्तिष्क उन कणों को बाहर निकालने का आदेश शरीर के मांसपेशियों को देता है और छींक के जरिए ऐसे हानिकारक कणों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और छींक आने का दूसरा कारण सर्दी जुकाम भी हो सकता है। सवाल नंबर पाँच, नोकिया कहाँ की कंपनी है और इसका निर्माण कब हुआ था? सही जवाब, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है जिसको 1865 में फ्रेडरिक एडास्ट्रम, लियो मचेलिन और एडवर्ड पोलर ने शुरू किया था। सवाल नंबर छः, खटमल के मुंह में कितने दांत होते हैं? सही जवाब, खटमल के मुंह में दांत नहीं होते। खटमल हमारे शरीर में एक तेज सूंड या चोंच डालकर खून चूसता है। सवाल नंबर सात, शुक्रवार के दिन किस देश में छुट्टी दी जाती है? सही जवाब, 1 सितंबर 2006 से दुबई में नया कानून लागू किया गया जिससे वर्किंग डे रविवार से गुरुवार तक ही होता है और शुक्रवार को हॉलीडे दिया जाता है। सवाल नंबर आठ, बाई का फुल फॉर्म क्या होता है? सही जवाब, बाई का फुल फॉर्म बिटवीन योर आईज, बिफोर यू एग्जिट, बिग येलो एग प्लांट, बी विथ यू एवरी टाइम, बैलेंस योर इमोशन इत्यादि होता है। सवाल नंबर नौ, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है और कहाँ है? सही जवाब, मक्का सऊदी अरेबिया में स्थित द ग्रेट मॉस्क दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसकी कैपेसिटी 1.5 मिलियन भक्तों तक की है। सवाल नंबर 10, सबसे पहली पंजाबी मूवी कौन सी है? सही जवाब, 1935 में केडी मोहरा ने पहली पंजाबी फिल्म बनाई थी जिसका नाम पिंड दी कुरी था। सवाल नंबर 11, दुपट्टा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही जवाब, दुपट्टा को इंग्लिश में स्कार्फ कहते हैं। सवाल नंबर 12, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? सही जवाब, भारत में लगभग 122 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भारतीय संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता दी जिनकी लिस्ट इस प्रकार है। सवाल नंबर 13, भारत के सबसे महान कवि कौन थे? सही जवाब, सबसे महान कवि कबीर है, उसके बाद रहीम, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, महादेवी वर्मा आदि थे। सवाल नंबर 15, वीवो का फुल फॉर्म क्या होता है? सही जवाब, वीवो का फुल फॉर्म वी फॉर विगोरियस, आई फॉर इंडिविजुअलिटी, वी फॉर विक्ट्री, ओ फॉर ओरिजिनलिटी होता है। दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।